इन देवता की पूजा नहीं करे, तुम्हारी करे। तुम्हारी पूजा करे। बाबा की शरम है, मेरी शरम है। अच्छा, ये भूल गए, कोई बात ना, हमारा बुजुर्ग है, भूल जाए, पर या की बात समानो, हमारा कर्तव्य है। या की आपकी बारी है ना, तो हम सब तैयारी करेंगे। चलो, कोई बात ना। अरे ज्यादा ना बनेगा थोड़ो बन जाएगा, थोड़ो ना बनेगा और थोड़ो बन जाएगा, और थोड़ो ना बने और थोड़ो बन जाएगा, कछू ना बनेगा। परंतु ये बात बताओ, भूलो क्यों? अरे ये अच्छा करो, मैं अपनी यह भूल को प्रायश्चित करूं हूं कि यह वर्ष आपकी पूजा में विलंब जो है रहे है, वह मेरी भूल के कारण है रहे हो है। अच्छा भैया पंचो, तू करियो क्षमा, अब जब हमारी बारी आवेगी, जब हम भूल जाएंगे, हम कह देंगे इन देवता हमें क्षमा करियो भैया, अब मैं भूल गयो, क्षमा है। जाकी बारी आवे, जाकी बारी रुकवे में ना, आ रुकवे में, चलो मत लड़ो मत बेटा। देखो ये कहा है, देखो पूजा या सब हो कर रहे हो, जो कह रहे पूरा मात्रा वैसी मान जा, सब मिलके देवो के ना देवो। देख बाबा बेटा, बाबा देख, अब भूल मत कर दीजिए। ना ना ना, अब भूल मैं तो नहीं हूं ना, बोलूंगा तो भूल क्यों भाई है। मानो मानो, ये की बात देखो ना, हां रहेंगे क्यों ना। अरे वे ये भी आई के सही मर में और पेटकुट के आ गया। देखो मान जाओ मान, अरे भूल क्यों भाई है। और बेटा का नहीं कर दे, ये अंदर नहीं जा सको, यही खड़े रहो। जो तेरे बाप को घर है, सो हम भीतर नहीं जाएंगे। अरे घर तो आपको ही है, पर मैया ने कह दी है, आप यही खड़े रहो। अरे हमारी बिल्ली और हमको ही बेहू, घर मेरा और वो कोई अंदर नहीं जाते रही है। हाँ नहीं जा सको, यही खड़े रहो। आगे कट जा, मैं जाऊंगा। यही खड़े रहो, मैं जाऊंगा। मैया ये नहीं मान रही, मैया तो जननी कहे यहाँ जन आवे, लड़कन को ये देव डरावे। कन्हैया। हाँ मैया। हाँ तू कहिया बछड़ा चराया आयो? हाँ मैया मैं चराया है। हाँ तो देख काईकू या सखी से झगड़ रहे हो, कहा बात है? मैया ये सखी मोको भीतर घर में नहीं जान दे रही है। देख बेटा बात ऐसी है, मैं देख इंद्रदेव है ना, मैं उनको प्रसाद बना रही हूँ, ठीक है ना, उनको भोग लगावे के ताई बना रही हूँ। तू हट करेगो तो देख, तू भीतर मत आवे, वहीं खड़ो रहे, अपने बाबा के समीप में चलो जा जा। ना ना मैया, मैं भूख लग रही है। भूख लग रही है? हाँ। तो देख बासु माखन रखी हुई, कल को वह खा ली, जा। ना मैया, या मैं घर में दे देना, या मैं मिठाई में दे। हाँ मिठाई में दे, प्रसाद में दो। हाँ भैया या मैं दे दे। सोने ज्यादा हाथ मत पड़े। हाँ मैं या मैं सो तो को नहीं दूंगी, जब तक इंद्र देवता को भोग नहीं लग जाएगा ना, तब तक नहीं दूंगी। हाँ भैया दे दे। कहा याई मैं दे दे भैया, भूख लग रही है। ना दूंगी मैंने कही ना, ज्यादा हाथ मत पड़े, बात सो माँ खंड क्यों बात कर। Thank you.
पीते भी जा रहे हैं और लेते भी जा रहे हैं। और पीने और पीने बेटा और पीने। हम मत रोइयो, ठीक है? जा बाबा के पास चलो, जा थाई पे, जा बेटा माँ खेल लियो है, आ जा। हम मत रोइयो। अरे या देवता इंद्र ने मेरो हक बहुत दिन खा लियो है, अब मैं याकू अपनो हक नहीं खान दंगो। ब्रजवासी ने मैं आप पुजारू गिर गोवर्धन नाम धरा। मैं एक स्वरूप सो गोवर्धन पे जाए के अपनो गिरराज नाम धराए के अपनी पूजा करवाऊंगो और एक रूप सो इन ब्रजवासी के संग रहूंगो। या सो मैं बाबा के समीप चलूं। बेटा चुप रह। अरे कन्हैया सुन सुन। अरे सुन काहे को रो रहे हो बेटा, चुप रह। कहा बात है, कौन ने मारे हो है? बाबा हाँ? मैं घर मैया के समीप गयो हाँ? तो मैया मेवा पकवान बना रही थी हाँ? तो मोकू उन्हें देख के भूख लग आई। अच्छा, उनको देख के भूख लग गई। मेरे मैया पेते वो खाए को मारो तो मैया ने मैं मारो मारो बेटा, ये तो मेहर ने अच्छो नहीं कियो। तो कु खाए कु कछु नहीं दियो और तो कु लकुटी सो मारो। हाँ बाबा। अरे बेटा आ मेरे समीप आ बेटा, देख बता। मैं तो कु वह बात बताऊं। देखो तेरी मैया ने वहाँ सब मेवा पकवान धर रखे, उनमें सो सबसे पहले उन सब में देवता को हक है। पहले देवता की पूजा करेंगे जय जय मैया करके, ता पीछे तू बलराम तेरी मैया तेरी रोहिणी मैया और हम सब बैठ के खाएंगे। हाँ तो बाबा वे देवता इन सब पकवानों को खाए जाएगा? हाँ बेटा, सबको नहीं, अपनो प्रसाद पाए के हमको प्रसाद दे जाएगा, वही को बने ही सब। बाबा या देवता की पूजा क्यों करेंगे? अरे बेटा क्यों करेंगे? या पूजा हर से तब जल से। देख कन्हैया, हमारी या पूजा ते देवराज इंद्र प्रसन्न होए, और जब वो स्वयं प्रसन्न होए तो प्रसन्न है कि जल की वृष्टि करें। जा जल की वृष्टि सो हमारी इन गैयन को तृण और हम सब गोपन को अन्न पैदा होए बेटा। तो जहाँ इंद्र पूजत नहीं प्राणी, तहाँ कहाँ बरसत नहीं पानी। तो कहा बाबा, जहाँ जहाँ यह लोग इंद्र को नहीं पूजे हैं तो वहाँ पानी नहीं बरसे है। अरे नहीं, जब हरे से भजन सुनियाने कहा जहाँ जहाँ देव की पूजा नहीं हुए वहाँ वर्षा नहीं हुए। अरे मैं कहूँ कहूँ सो ऐसी ईर्षा देश थोड़ी करे कि या क्षेत्र में वर्षा दी और वह क्षेत्र को छोड़ दियो। ये तो बड़ो कहा कहूँ कहा समझाऊँ या कुछ है, मुकु स्पष्ट बता। बाबा मैं तुमको एक देवता बताऊं। पूजवे के ताई या स्थान पे दूसरो कोई देवता बतावे? बाबा आज मैंने एक सपनो देखो। सपनो देखो? हाँ बाबा। कहा सपनो देखो बेटा? वह सपने में मेरे समीप एक चार भुजा को देवता आयो। हाँ, चार भुजा बारे देवता ने सपने में तोकु दर्शन दियो। हाँ कहो बुझाई इंद्र ही पूजे कहा पड़ाई। और वह देवता ने मोते कही कि
इंद्र की पूजा कर भी थे। तुम्हें कहा बड़ाई मिले है, मेरी पूजा करो, तुम अष्ट सिद्धि। हाँ, अष्ट सिद्धि पाओ। हाँ बाबा, वह देवता को बाप के हो के इंद्र की पूजा को छोड़ के मेरी पूजा करो, अष्ट सिद्धि नव निधि पाओ। हाँ बाबा। बेटा, ऐसो वह कौन देवता है जो चार भुजा वालो देवता स्वप्न में तुखु ऐसो आदेश कर रहे हो? वाको कहा नाम है, तनिक नाम बतावे गो। बाबा, वह गिरिराज जी की तरेटी में रहे हैं। हाँ, तरेटी में रहे हैं। तरेटी में रहे तो आपको नाम कहा है बेटा? गिरिराज महाराज। हाँ, गिरिराज महाराज। हाँ बेटा, मैं तो तेरी बात को सत्य मान रहे हो, परंतु मेरे एक के मानवे सो हो कहा, हमारी यह जो इंद्र भगवान की पूजा चली आ रही है, आज सो नहीं नहीं पुरातन चली आ रही है, सब गोप मिलके यह पूजा को सुंदर विधान सो पूर्ण उतारे हैं। यदि एक गोप हट जाए तो यह पूजा अधूरी व खंडित मानी जाए है। तो बेटा, वह सब 84 के उन ब्रजवासी को मैं कैसे समझाऊंगा कि वह इंद्र की पूजा न करके तेरी आप देवता को पूजे है? बाबा, उन सबको मैं समझा दूंगा, तुम पंचायत लगवाओ। अच्छा, अथाई पे सबको बुलाऊं और पंचायत बैठाऊं, और पंचायत में तू सबको समझाए देगो? हाँ बाबा। बेटा, जैसे तैसे तो एक बार सब पंच एक सूत्र में भये हैं, एक सूत्र में पढ़ के जैसे तैसे तैयारी प्रारंभ ही है, कहूं ऐसो ना हो कृष्ण तेरी यह बात है मान के और ये सब पंच मेरी फिर यही तरह सो हंसी करें हैं? नहीं नहीं बाबा, आप बुला तो सही सबको। सबको बुलाऊं? हाँ। बड़ो हटीलो है कृष्ण, न मानू या सो कहें धर्म संकट, मैं धर्म संकट में हूँ, न मानू तो बाल हटे है मेरे पुत्र कृष्ण की, और यदि बुलाऊं तो तुकु वो सब पंच ऐसे क्रोध भरे बैठे हैं, न जाने कहा कहेंगे, बुलाने तो पड़ेंगे। अरे ओ ढाणी के, राम राम भैया, प्रसन्न रहो। काय कह रहे हैं? अरे बेटा, कह कहा रहे हो, एक बहुत विशेष काम आए के पड़ गए हो। बताओ बताओ। जैसे तू पहले गए हो ना हो सब गोपन को बुलाए के ताई, तो ऐसे ही दोबारा मेरी अथाई पे पंचायत के ताई सबको बुलाएगा। फिर दोबारा? हाँ ठीक है, मैं अभी जाऊँ। हाँ जल्दी सो जा। ठीक है ठीक है। हाँ चलो, अथाई पे मैं लाऊं बुलाए। चल बेटा। अरे भैया ब्रजवासियों, अरे सरपंच साहब, अरे चले आइयो चले आइयो। सरपंच जी, राम राम। राम राम भैया, पंचायत के दीवाने वाले। राम राम साहब, राम राम जी, राम राम साहब। राम राम, राम राम। कैसे बुला रहे हो, कैसे हल्ला मचा रहे हो, कहाँ बात है? वो आप सब ब्रजवासी इनको नंद बाबा ने अथाई पे बुलायो। अरे ये बाबा तो हमारे पीछे पर गो, अब के ये देवता की पूजा होना देगो। मुँह पूछ लियो कोई विशेष काम? हम तो ना भक्ति पे हमारी कड़ी धरी है, ए घरवारी है ना, हम ही देखवारे, हमें वो बनावे बारे, वो कड़िया छोड़ के हम यहाँ आएंगे, और कड़ी पीछे तो उफनगी तो कौन समा रहे हो? चलो कोई बात ना, बात तो सुननी पड़ेगी राजा हमारा। एक बार चलो, और बादल तो बनाना है, ये तो समस्या है, बनाए वालों कोई ना है घर में, भैया अकेला ही लग रहा हूँ भट्टी के नीचे। अब चलो तो सही, चलो 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 आए के बना ले। अब देखने तो पड़ेगा बात कहाँ है। चलो कोई नई मिठाई बनवा रहे हो, ये तो एक हो है ना, ये बुढ़ापे में हमें सब ब्रजवासी आए गए, सरपंच साहब आए गए। भाई बाबा, तू जल्दी कह दे, हम तेरी आवाजें सुन के आ गए, वैसे हम पे आ गए वो समय ना हो, जो हमारी कड़ी धरी है भट्टी पे उफन गई तो भेजा है जाएगी। अच्छा, इंद्र महाराज को यहीं से भोग लग जाएगा।
समझो कर बात है तू हंसने वाली बात ना तू तो हंस आया दांत ने दिखाए के फिर दांतू ना तेरे देखो भैया मैंने तुम सबको जो बुलायो है या तो एक कारण है कि आज मेरे बेटा कृष्ण ने एक सपनो देखो ये तेरे पंच परेशान करे हैं जाड़े में हैं और कहा कहा कह रहे हो कि सपने के ऊपर पंचा जोर ये तेरे अरे सपने अरे भैया कोई मैंने गजब की बात है बुढ़ापे में ने सभी सपनों देखे तेरे अपने सपने के ऊपर ही पंचा जोर दे अरे अरे तू पकवान बनाने देगो के ना है अरे पहले ना सपने भी निकल जाएंगे सपनों कन्हैया ने देखे कन्हैया ने अरे कन्हैया ने देखे चाहे कन्हैया की मैया ने देखे हो चाहे कन्हैया के बाबा ने देखे हो है तो सपनों ही ए? अरे सपने के ऊपर तेरे पंच बुलाए भाई गजब कर दियो तेरे भाई बाबा ए मान ले भाई सपने को सुन तो ले बड़ा विचित्र और अनोखो सपनो है सपने ने हम कहा सुने दिन रात हमारे बालक सपनो देखे सवेरे उठ के सुना मैं मोए सपनों का झूठे होए सपनों का झूठो है अरे झूठी बात बता दे वही सपनो अरे फिर लाला ने देखो तो एक बार विश्वास कर लो पूछ लो अरे सपने में राजा भिखारी है जाए भिखारी राजा है जाए सपनों तो सपनों ही अरे सरपंच साहब ना वो भिखारी हो ना वो राजा हो ना वो भिखारी ना वो राजा ना अरे सपनों कैसो है पूछ तो ले भैया तुम ही सुन लो सपने में देख देख भैया मैं तुम सबको राम राम करूं राम राम या ब्रज में पंच मर गए सब रे ये बालक बोल लो एक बिलान को पंचायत में एक बिलान को बालक बोल लो है इन पंचन के लिए धिक्कार है क्योंकि बाबा की हाजिरी देने वाले है ना अरे क्या खाने वाले अरे जो बोलेंगे क्यों अरे जो बोलिए बताओ एक बात बताओ कोई बात कहिए राम राम ही तो करिए ने कहा कही बोले को राम राम ही तो करिए अरे अभी और बोले आए के बड़े बोल के राम राम ही तो करिए राम राम लेने ज्यादा ज्यादा कुछ कहिए राम राम तो भी शेरिंग दे रहे राम राम भैया राम राम कन्हैया है कन्हैया है कहा पता तुम राम राम के योग्य ना हो राम राम ले लो हाँ राम राम ले ली भैया हाँ भाई राम राम बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा अरे भैया मैंने आज एक सपनो देखो है और वामे मैंने एक देवता देखो है वह देवता गिरिराज जी की तरेटी में रहे हैं यासु बाकी चार भुजा है और यासु तुम इंद्र देवता को ना पूज के मेरी देवता की पूजा करो और वह मेरो देवता चार पदार्थ प्रदान करवे वारो है अर्थ धर्म काम मोक्ष अच्छा काका कछ कहे अब यहाँ के छोरा ने सपनो देखो है यहाँ के देवता ने कही है कि इंद्र महाराज की पूजा छोड़ के मेरी पूजा करो और बाकी चार भुजाएं और जन काका चार परात देवो चार परात दो तो लोहे की दो पीतल की और दो चार बाल्टी दे देवो चाहिए भाई चाहिए अरे परात ना है कमाल सवेरे सवेरे गर्म पानी नहा के चाहिए गोबर चार परात ना चार पदार्थ अर्थ धर्म काम मोक्ष हाँ ठीक है भैया तुमने शास्त्र का अध्ययन करे हो पर जब कन्हैया ने सपनो देखो तो मेरे छोरा ने सपनो देखो है मेरे छोरा ने सपने में एक देवता देखो बाकी 20 भुजाए और 10 पांव है अब कहते बेटा है देखो ना तुझे सपनो देखो हाँ देखो है अब जाके देवता की पूजा करो या भैरो जैसे की ये कौन सा मलूक है कारो कारो खलू तो ये कौन सा मलूक है पंचायत रही है जब बाबा को छोरा बोल लो जब एकरा
प्रणाम करी ना, बड़े गोप को छोड़ा है ना, बड़े गोप बनाए वाले हाथ जोड़ कर प्रणाम करी ना, हमारो कर रहे तेरे छोड़ा का करा है, बोलियो मत वाले मनी मन में करिए कैसे मनी मन खानदान एक में जा रहे हैं। अरे तुम्हारी
मिट्टी सड़ गई है का? अरे विचार ना रहे कौन तो कह रहे अरे हम तुम के कह रहे बुद्धि सड़ गई है। अरे मेरा देवता तुम्हारे जैसे 100 देवता ने छठ भर में मेरे देवता की कृपा के बिना कोई ब्रज की कड़ू नहीं पा सके। आगे बढ़े तो पीछे खींचो। ओ भैया नहीं हो बाबा, पूजा होगी तो गिरिराज महाराज की होगी। अरे ओ बाबा ओ जोगरा लड़ाई की जड़ो। अरे अब तो अरे इन गोपन ने तो यहाँ मरबाबे को पंचायत जोड़िए कर दे रहे। अरे ए, बाबा तक छुमत दियो। अरे बालकन ने तो अनाथ करेगा का? अरे तू तो मरबे को धयो है। अरे अब तू कैसे मानेगा, कौन की मानेगा? खाऊ की नहीं माने, थप्पड़ की माने। अरे ना 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 ना, थप्पड़ मान लो। पर मान लेंगे थप्पड़ हम मान लेंगे। कौन की माने को? दाऊ दादा की मानेंगे। दाऊ दादा, दाऊ दादा कह देंगे तो मान लेगा? वो गंभीर है। अच्छा, और हमारे संग रहे। अच्छा, बात में वाकी में दम है। और ये चोटा कन्हैया क्या की बात है, कौन माने? ये तो बालक है। ए, ये कहा जाने अभी पंचायत और आदमी ने बात करनो। ए, और ये पंचन ने बुला ले, ये हमें भकाया हो रहा है। बुला लो भैया, बुला लो। हाँ बुला लेंगे। अरे दाऊ दादा, अरे दाऊ दादा, अरे आजा, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। लौट जा धरती, लौट जा। अरे रुक जा भैया, अरे रुको भाई। सरपंच साहब, अरे अरे धरती लौट जाओ। बामन डाल चल के आयो। अरे भैया मध्य मंगल ने कर। अरे तुम सबरे बाप बेटा की नाक रगड़ ले आगे बामन में। क्यों भाई? अरे भैया मध्य मंगल, जब हम पे जोर ना पड़ो तो पे का जोर पर रो है। अरे सुन ले भाई, सेवा हम कर रहे हैं, हाथ पाँव हमारे दुख रहे हैं, सेवा हम अपने भैया की कर रहे हैं। भैया जोर पर रो है? जोर तो ना पड़ो पर इतना जोर मत लगावे। जोर क्यों ना लगाएंगे, तुम बैठ जाना तो चुपचाप। अरे भैया मत मंगल, सुन तो सही। अरे भैया मेरी सुन, सुनेंगे बात में, सुनेंगे। ये बता तेने में काई को बुलायो? अरे भाई बात है तो सुनबे को हम बुला रहे हैं। और कहा बात है, तुझे तो घरों फर रहे हैं। कहा बात है वो बता। हाँ बताएंगे, चढ़ जाओ। यानी स्वतंत्र छोड़ दो क्या बंधन में ही है। उरे, 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 वो देखियो कन्हैया माई मत देख लीजो। हाँ नहीं तो देख लीजो। हाँ यहाँ बैठ जा, वो मई मोकर मीठी धमकी दे रहे हो बलराम। अरे सोच समझ रहे भैया, बात अब गंभीर है। हाँ कोई हंसी मजाक ना आए, ये पंचायत बारी पंचायत की बात है। हाँ पंचायत में देखो कर रहो। हाँ पंचायत में देखो जाए वो क्या बात है। ए बात तो बता, कहा बात है? देख इतने दिन हम तेरे संग रहे, संग रहे तेरी सबरी गैया चराई, गैया चराई और भांग घोटी संग में, वो भांग घोट घोट के पिवाई। ए, और तेरी गैया ने हम चरावे और तू तांड पट्टा सोवे हो। ए, और तेरे पांव अलग दावे दावे की ना है? सेवा कर तो भैया, सेवा करते ना, पर आज और सेवा की मेवा दे दे मुहे। कहा बता? आज देख, 2 रुपया आज देख, सुन सुना तू। आज बात हमारी पिट रही है। कैसे? पंचायत में। पंचायत में? आज मेरी बात में क्यों बोल रहे हैं? आज तू मेरी बात राख दे ना। अच्छा, तो जो तू कहे। अच्छा, अरे जंगल में तो सेवा करूं करूं, तेरे घर में तेरे गैया को गोबर उठाऊं जीवन भर। अच्छा। और नहीं ना, ये मेरा छोड़ा बुआ है कि मर जाएगा जब उठा मेरे को। अच्छा हाँ सुन ले, पहले तू भैया बात है तो बता, कहा बात है? बात ये है। हाँ के ये सब ब्रजवासी जो है ना। हाँ ये सब। हाँ तेरे कन्हैया की बातन में आ गए। कैसे?
तेरे कन्हैया ने कोई सपनों देखे हुए। अच्छा। वह सपने में चार भैया को देवता देखे हुए। अच्छा। और वो देवता को नाम है गिरिराज। अच्छा। और वो गिरिराज जी की तलहटी में रहे हैं। समझ में आएगा? और वो चार परात देखो, पदार्थ चलो पदार्थ देखो। अच्छा। एक बाल्टी चावल की, एक बाल्टी दाल की, और एक बाल्टी हलवा की, और एक बाल्टी पूरी की। ये चार पदार्थ है। खाने का जो देखो पदार्थ खाने की खाने खाने को दे रहा हूँ वो। ये पदार्थ ना है भैया। और अर्थ धर्म काम मोक्ष। अच्छा। चलो कचू होंगे वो तो मरने वादे मिलेंगे ना। मरे बाप को देखो मिले मिले ना मिले। ए, जब तू मर जाएगा, जब तू मिल जाएंगे तो मुंह के कह दे वो मिल गए चार पदार्थ। चार पदार्थ यही है, दो बाल्टी चावल। अच्छा। दो बाल्टी दाल, एक बाल्टी पूरी। हलवा तो पीछे पीछे मिलते रहे या ना मिले। तो ऐसी बात है, तो देवता ने मेरे कन्हैया से कही है कि तुम इंद्र महाराज की पूजा छोड़ो। अच्छा। और मेरी पूजा करो। अब तू बता दे प्यारे दाऊ दादा, अरे जा देवता की पूजा करते करते हमारे बुजुर्ग पधार गए। अच्छा। उनने जब इंद्र देवता की पूजा ना छोड़ी तो आज हम वह इंद्र देवता की पूजा कैसे छोड़ दे। जा की कृपा से हमको ब्रजवास मिल रहे हो है। हमारी गैया कैसी हरी हरी घास चरे है। अब सुनोगे ना? हाँ सुनो। मैं तो कह रहा हूँ कि इंद्र देवता की पूजा करो। और ये सब ब्रजवासी कह रहे जो कन्हैया को जो देवता है गिरिराज वहाँ की पूजा करो। अब तू यो कह दे। अच्छा। तुम सब ब्रजवासी इंद्र देवता की पूजा करो। अच्छा। यही में मेरी बात रह जाएगी। यही कहूंगो आनंद की जो समझ के कहूंगा। जल्दी ना पंचायत को मामलो। सही बात है। कोई भी शब्द मोहते निकारो, बहुत सोच समझ के निकारो। सही बात। ये घर में बात ना है रही, पंचायत पंचायत में है रही है वो तो महुआ माल में। पर मैं तो यही कह रहा हूँ के जो भैया के कन्हैया कह रो है तू वही कार्य को करवा। घर में गिर के मरेगो दारू। हाँ तूने परे भी चलो जा। आया आलम तो पे तो बास आ रही है मुझे। इतने दिन सेवा करी तेरी हैं और आज समय आए हो लाज रख देखो हैं। रे हमें बताओ है घोटू पेट को नवे हैं कुल में और जल में मिलने में देर ना लगे हैं। अरे ये तो एक बेल के घूम रहा है। अरे हमने देखे ना कि गैया चराई या नहीं शर्म ना आई। इतने देर से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं सेवा कर रहे हैं है? हम तेरे बाप के नौकर लग रहे हैं का? अरे आजा बलराम। आजा तो हम डरेगा बलराम। अरे लठ चलाए का हमारा तेरा तो खल हमको लठ और पंजाब में हमारी बातें पीट दो। जनता जनार्दन की पूछ लो। ये जो जनता बैठी है भगवान को स्वरूप है। हाँ जा देवता की जोर से जय बोल जाएगी और भाई की पूजा है जाएगी। ठीक है चलो आवे करें यहाँ बुलवावे को करिए बुलवावे। पहले तुम बुलवा लो हमारे तो जयपुरी बुलाई है। सब भैया जोर से बोलियो बोल गिरिराज महाराज की। सुनो है भूल गई नहीं ना सुने वो तो आवाज आई। तेरो ध्यान तो दो बाल्टी चावरन में ना। आप फिर से बुलवा दे वो फिर से बुलवा दे देख फिर से सुन ले। अरे ये फिर बुलवा बोल गिरिराज महाराज की। ये जैन आए और
ये तो अब भूलेगी बोलवा गुगला सब घर जाएगा प्यारे बोलवा तो भैया जो तुम हंस रहे हो ना तुम रो मन लगोगे हम तो अब रो रहे जनता मेरी है भगवान को स्वरूप है जी नहीं चढ़ाए।